हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल चकित टैरो थ्री। गाइस एंड आ गए हम आज एक नई रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग का टॉपिक है क्या आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं या फिर नहीं। ओके, क्योंकि मैंने कल थर्ड पार्टी की रीडिंग की थी और उसमें मैंने देखा था कि वो आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं या फिर थर्ड पार्टी से। तो अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो आप वो वीडियो देख सकते हो, देन उसके बाद आप ये देख सकते हो, क्योंकि जो भी यहाँ पर निकल कर आएगा उस रीडिंग के बेसिस पर हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो आप वो रीडिंग देख सकते हो जो मैंने कल की थी कि थर्ड पार्टी से ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, और उसमें निकल कर आया था कि यस आपके पर्सन चाहते हैं आपकी लाइफ में आना। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर आना चाहते हैं या फिर अगर नहीं भी आते तो हम सिचुएशंस तो देखेंगे, बट यस अगर वो आना चाहते हैं तो कब तक आ जाएंगे, हम यहाँ पर एंजल आंसर्स देखेंगे। ओके, सो गाइज इट्स अ जनरल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग, सभी साइंस के लिए, तो आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। ओके, सो जो पार्ट रेजोनेट करेगा वो आपका और जो पार्ट आपसे रेजोनेट नहीं करेगा वो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। ओके, सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या आता है निकल के, क्या आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं या नहीं। ओके चलिए, कार्ड हो गए हैं शफल, करते हैं स्टार्ट रीडिंग को। सिक्स ऑफ कप्स, ओह सॉरी, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, जिमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ओके, वी हैव तीन कार्ड है, मैं नहीं लूंगा, नहीं तीन कार्ड छो। ओके, एस ऑफ वैंड्स, वाओ, एरीज लियो सजिटेरियस। नाइन ऑफ सोर्ड्स, ओके, थ्री ऑफ वांड्स, फायर साइन, सेवन ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, नाइस, द हायरोफैंट, वाव, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स, टू ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव फाइव ऑफ कप्स। सो वी हैव जिमिनी लिब्रा एक्वेरियस, एरीज लियो सजिटेरियस एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। एंड जो दो साइन हमारे पास आए हैं वो स्पेशल आए हैं, लाइक लिब्रा एंड टॉरस। ओके, तो ये साइन है स्पेशल और बाकी साइंस मैंने आपको बता दिए हैं। सो अगर मैं देखूँ आपके पर्सन की और आपकी बॉन्डिंग, तो सेपरेशन तो चल रहा है साथ ही साथ, और सेपरेशन में ना बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो रही है आप दोनों, मतलब मुझे लगता है कि आप तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो अपने पर्सन को लेके। आपने तो बिल्कुल ना रोना धोना मचा रखा है जो कि उसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि रोने से ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने आप को खुश रखो, अपनी हीलिंग करो टाइम से, ताकि आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी होती जाएँ एंड साथ ही साथ आप अपने पर्पस को समझो, जो भी आपका पर्पस है, जो भी आप कर रहे हो अपनी लाइफ में उसमें अच्छे से अपना पूरा टाइम इन्वेस्ट करो, ताकि आगे चल के आपको रिग्रेट ना हो कि मेरा वो टाइम तो यूँ ही निकल गया, मैं रोता रहा, रोती रही और चीज़ें हाथ से चली गई। नहीं, आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ करने की ज़रूरत है कि ये रोना धोना बंद करना होगा, अपने गोल पर वर्क करना होगा। मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग ओवरसीज अपॉर्चुनिटी चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पर वो भी मुमकिन है। सो मैं जो रीडिंग है हमारी उसका टॉपिक है क्या आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं या नहीं। तो परेशान तो आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, रो रहे हैं वो भी, मतलब उनको याद तो आती है आपकी, सिंपल एज दैट, बोलो सीधी सीधी बात, तो याद तो आती है, जो कि मुझे नाइन ऑफ सोर्ड्स दिखा रहा है। रातों को इंसान सो नहीं पा रहा है, मतलब इस इंसान को लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप किसी और के साथ कनेक्शन में ना आ गए हो, या फिर इस इंसान ने आपको कभी किसी के साथ हैंग आउट करते हुए देख लिया हो, मे बी वो आपका कोई रिलेटिव हो, कज़न हो, फ्रेंड हो, क्लोज फ्रेंड हो काफ़ी, तो भी ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है कि कहीं कनेक्शन में ये जो दरार आई है ये कहीं और, इस दरार की वजह से कहीं और आपका रिलेशन ना बन जाए,
तो इस चीज़ को लेके आपके पर्सन बहुत दुखी है। एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स मुझे थ्री ऑफ वैंड्स मुझे क्लियर क्लियर दिखा रहा है कि यस, थर्ड पार्टी की वजह से भी आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है बहुत ज़्यादा। एंड बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो आपके पर्सन हैं ये चाहते हैं ओवरसीज अपॉर्चुनिटी, इन्हें बाहर जाके सेटल होना है। तो मे बी शायद ये भी एक फैक्टर हो सकता है आप दोनों के लाइफ में सेपरेशन का, इन्होंने अभी अपने करियर को ज़्यादा प्रेफरेंस दे दी हो इंस्टेड ऑफ यू, आपकी जगह, ठीक है। और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की वजह से आपकी लाइफ से बहुत ज़्यादा इन एंड आउट हो रहे थे या फिर हो रहे हैं, अब भी आ जाते हैं वापस फिर चले जाते हैं, बातचीत आपसे कुछ दिन चलती है फिर वो ख़त्म हो जाती है। शायद मे बी ये सिचुएशन भी आप दोनों की लाइफ में चल रही है, तो ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बट अगर मैं बात करूँ फाइव ऑफ कप्स कार्ड की, तो ये इंसान दुखी बहुत है, बहुत परेशान है इंसान इस टाइम पर। इनकी लाइफ में इतना पेन चल रहा है ना कि ये बता नहीं सकते किसी को, और ये बहुत उदास हैं। इन्होंने पास्ट में जो भी गलतियां की हैं ना, उन गलतियों को सुधारना चाहते हैं, उन गलतियों को लेकर ये बहुत ज़्यादा दुखी भी हैं और परेशान भी हैं। एंड अगर मैं बात करूँ एस ऑफ वैंड्स की, तो डेफिनेटली ये बहुत जल्द आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट होने वाले हैं और चीज़ों में चेंज लाने वाले हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि एक नई स्टार्ट तो होनी है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये रिलेशनशिप आगे चल के और खूबसूरत होता चला जाएगा। अगर अभी पेन है, अभी दुख है, अभी दर्द है, तो आगे चल के चीज़ें सॉर्ट भी होंगी आप, क्योंकि उम्मीद नहीं छोड़ सकते। जिस तरह की रीडिंग यहाँ पर निकल कर आई है, उस रीडिंग को देखने के बाद तो मैं खुद कहूँगा कि उम्मीद नहीं छोड़ी जा सकती, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास जस्टिस है। तो ये जो इन एंड आउट आपके पर्सन आपकी लाइफ से हो रहे हैं ना, इस सिचुएशन में आपको गॉड जस्टिस देंगे, क्योंकि हमारे पास जस्टिस कार्ड है यहाँ पे। अब जस्टिस कार्ड का आने का मतलब यही है कि ये इन एंड आउट की सिचुएशन बहुत जल्द ख़त्म होगी और गॉड का जस्टिस आपको मिलेगा, और ये जस्टिस इस पर्सन को आपकी लाइफ में लेकर आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास है सिक्स ऑफ सोर्ड्स, तो सिक्स ऑफ सोर्ड्स क्लियर क्लियर दिखा रहा है कि यस, ये पर्सन वापस आएंगे आपकी लाइफ में। एंड हेरोफेंट कार्ड जो है हमारा, वो तो सीधा सीधा मैरिज प्रपोजल दिखा रहा है मुझे। तो कुछ लोगों की लाइफ में बहुत जल्द मैरिज प्रपोजल आने वाला है आपके पर्सन की तरफ से, तो होप रखो, उम्मीद रखो। उम्मीद पर तो देखिए दुनिया टिकी हुई है, तो उम्मीद मत छोड़ना। ऐसा मत सोचने लगना कि चीज़ें वर्स्ट होती जा रही हैं, चीज़ें खत्म होती जा रही हैं, नहीं। जस्टिस कार्ड का आने का मतलब है कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अच्छा। और हेरोफेंट का आने का मतलब तो यही है कि ऐसे अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं आपको, क्योंकि अभी इस कनेक्शन में बहुत बैलेंस लेकर आने वाले हैं। इस कनेक्शन में बैलेंस आएगा, इस कनेक्शन में एक होप है, उम्मीद है, एक खूबसूरती है जिसे ये मेंटेन करना चाहते हैं दोबारा से। और ये पर्सन काफ़ी अब अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, सब कुछ अच्छा चल रहा है इनकी लाइफ में, ऑनर है इनके पास, एक रॉब है, एक रुतबा है इनका, और काफ़ी फायरी पर्सनालिटी है ये पर्सन, और काफ़ी म्यूचुअल रिलेशनशिप है आप दोनों के बीच में आज भी, मतलब आपको आज भी पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर ये थर्ड पार्टी के साथ हैं तो कुछ ना कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं इस टाइम पर इनके कि इनको उस तरफ जाना पड़ रहा है बार बार। बट अभी ये पर्सन आपके लिए बहुत म्यूचुअल फीलिंग्स रखे हुए हैं, बहुत ही म्यूचुअल फील करते हैं आपको, आपके लिए हर एक चीज़ सोच रहे हैं, करना चाहते हैं, तो ये चीज़ों को सॉर्ट करेंगे, धीरे धीरे करेंगे चीज़ों को सॉर्ट, पर इनको टाइम चाहिए, क्योंकि ये अभी खुद बहुत ज़्यादा पेन में है। तो ये उस पेन से जब तक नहीं निकलेंगे, तो ये एकदम से तो चेंज नहीं ला पाएंगे। तो आप दोनों को ही एक दूसरे का साथ दे के चलना होगा, एक दूसरे को समझ के चलना होगा, ओके। बाकी नेक्स्ट सेक्शन देखता हूँ मैं इनका क्या होने वाला है। ट्रम्प, वाओ, चैरिट कार्ड आ गया हमारे पास। तो अगर आप दोनों के बीच में कास्ट इशू, रिलीजन इश्यूज हैं, कोई भी इशू है, तो उसे ये पर्सन रिजॉल्व करेंगे, एंड आपके पास एज अ सक्सेस ये पर्सन आएंगे और आपके साथ हर एक इशू को रिजॉल्व करेंगे। मैंने कहा ना कि चीज़ें ये ठीक करेंगे, बट इनको टाइम चाहिए थोड़ा सा। ट्रुथ, सच जानते हैं ये इस रिश्ते का, इन्हें पता है ये चीज़ कि आप इनके लिए बने हैं और ये आपके लिए बने हैं, आप दोनों को एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। देखिए, अगर आप मैरिड हैं और आप ये रीडिंग देख रहे हो और आपको, आप सोच रहे हो कि मतलब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये रीडिंग, देखिए ये रीडिंग तो सबके लिए ही है, बट अगर आप मैरिड हो या फिर आपके पर्सन ने शादी कर लिया, तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए उस पर्सन से, क्योंकि अगर वो पर्सन उस टाइम आपका नहीं हुआ ना,
तो वो अब भी आपका नहीं होगा, ठीक है। तो आप ऐसे इंसान का वेट मत करो जो किसी और के साथ अपनी फैमिली बसा चुका है, और या फिर अगर आपने अपनी फैमिली किसी और के साथ बसा ली है तो आप उस इंसान का वेट बिल्कुल मत करो। वो जो होना था उसी टाइम पर होना था, बट अगर वो नहीं हो पाया है तो इट मीन्स ये नहीं है कि आपके ऑप्शंस, आपके पास ऑप्शंस नहीं है। भगवान ने कुछ ना कुछ आपके लिए बहुत खूबसूरत, बहुत बेहतरीन सोच रखा होगा, तो डेफिनेटली वो तो आपकी लाइफ में आना ही आना है, उसे आने से तो कोई नहीं रोक सकता। यस, और आएगा भी, एक्सेलरेटेड मोशन, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी तो है। ये मंथ आपकी लाइफ का ना बहुत ही पॉजिटिव मंथ होने वाला है मेरे हिसाब से। वाओ, तीन कार्ड आए हैं गाइस, और तीनों कार्ड ही बहुत खूबसूरत आए हैं। वी हैव बैलेंस फ्रॉम द बॉटम एंड हार्मनी, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लाइट। तो यस, आगे चल के मैंने कहा ना कनेक्शन बनेगा और कुछ ना कुछ बहुत खूबसूरत होने वाला है। एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगी आप दोनों की ही लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में भी, आपकी लाइफ में भी। एक लाइट आएगी, एक ग्रेस आएगी जो एंजल्स आपकी लाइफ में लेकर आएंगे। तो आपको परेशान तो होना ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आगे चल के सब कुछ पॉजिटिव तो होना ही होना है। तो अपने गोल्स पर वर्क करो, अपने ऊपर वर्क करो, अपने रियल सेल्फ पर वर्क करो, अपने इनर सोल पर वर्क करो, अपनी इनर जर्नी पर वर्क करो, ताकि आपकी लाइफ में चेंज आए। भगवान, वाहेगुरु, अल्लाह, जीसस आपको ब्लेसिंग्स दे। जिस भी भगवान को आप मानते हैं वो आपको ब्लेसिंग्स दे। बैलेंस, तो बैलेंस क्रिएट करो अपनी लाइफ में, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यही है। मैनिफेस्टेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। पास्ट में हुए इवेंट से उभरने की ज़रूरत है, पास्ट की चीज़ों को भुलाकर आगे बढ़ना ज़रूरी है। वी हैव स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, तो स्पिरिचुअली मैच्योर होने की भी ज़रूरत है, और मेरे को लगता है कि आप दोनों ही एक दूसरे को कदम कदम पर स्पिरिचुअली मैच्योर करते हुए चलोगे। एंड आप दोनों को पता है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, आप अपने पर्सन के लाइफ पर्पस हो, आपके पर्सन आपके लाइफ पर्पस हैं, तो आप दोनों को ये लाइफ पर्पस तो देखिए एक साथ लेकर चलना ही होगा। एंजल आंसर्स पर आ गए हैं हम, अब एंजल से पूछ लेते हैं क्या कह रहे हैं एंजल्स। ये बहुत सारे कार्ड्स आ गए एक साथ दोबारा। इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आपको अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वी हैव देयर इज समथिंग बेटर, तो मैंने कहा ना कुछ बेटर, कुछ ना कुछ बेटर होगा, डेफिनेटली होगा, बस आपको होप नहीं छोड़नी है, उम्मीद नहीं छोड़नी है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ ही फ्यू वीक्स में हो रहा है, तो मंथ्स भी नहीं, वीक्स के अंदर चेंज आएगा। आस्क योर एंजल्स, अपने एंजल्स से मांगना शुरू करो, उनसे बोलो, वो आपके लिए ब्लेसिंग्स लाएंगे, वो गॉड से आपके लिए प्रेयर करेंगे। एंजल्स ही हैं जो हमारे मैसेज गॉड तक लेकर जाते हैं, और आप रेडी भी हो, बट आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा वेट। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन को चाहिए टाइम इस सक्सेस तक पहुँचने में, ठीक है। तो यस गाइस, आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं कुछ ही फ्यू वीक्स के अंदर अंदर, और जिन लोग जो लोग किसी मैरिड पर्सन के लिए सोच रहे हो, तो मैंने उनको पहले ही सजेशन दे दिया है कि आपके लिए कुछ ना कुछ बेटर होने वाला है, और एंजल्स आपके लिए कुछ ना कुछ बेटर करेंगे। सो होप मत छोड़ना, उम्मीद मत छोड़ना। सो गाइस, ये थी आपकी आज की रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाएं, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।